अगर आप बाकी दुनिया से बात करना चाहते हो, चाहे वो अमेरिका के लोग हों, जापान के लोग हों, इंग्लैंड के लोग हों, तो वहां हिंदी काम नहीं आएगी, वहां अंग्रेजी ही काम आएगी। हमारी विविधता हमारे सशक्त लोकतंत्र की पहचान है। एक ऐसा देश जिसमें दर्जनों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अलग अलग रहन सहन खान पान है, ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का बेहतरीन उदाहरण है। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि एक छोटा बच्चा जो कभी एक रेलवे स्टेशन के टी स्टॉल पर अपने पिता की मदद करता था, वो आज चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर यूएनजीए को संबोधित कर रहा है। हमारे विपक्ष के नेता जो हैं, बीजेपी के नेता हैं, जहां भी जाते हैं अंग्रेजी के खिलाफ बात करते हैं। स्कूलों में अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, बंगाली होनी चाहिए, हिंदी होनी चाहिए, मगर अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए। कभी आप एक काम कीजिए, ये जो नेता कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, उनके पास जाइए, उनसे पूछिए, भैया आप ये बात तो अच्छी कर रहे हो, मगर आपका बेटा कौन से स्कूल में जाता है? क्या इंग्लिश मीडियम में जाता है, हां या ना? हां। इनके सारे के सारे बच्चे अमित शाह जी से लेकर इनके सब चीफ मिनिस्टर के बच्चे, सब एमपी के बच्चे, सब एमएलए के बच्चे, सारे के सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं और भाषण देते हैं कि भैया अंग्रेजी किसी को बोलनी नहीं चाहिए। ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान का गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा अंग्रेजी सीखे। इसका कारण है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बड़े सपने ना देखो, आप खेत में से मत ना निकलो, आप मजदूरी से बाहर ना निकलो। इसीलिए ये आपसे कहते हैं अंग्रेजी मत पढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी नहीं पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए, तमिल पढ़नी चाहिए, हिंदी पढ़नी चाहिए, मराठी पढ़नी चाहिए, सब हिंदुस्तान की सब भाषाएं पढ़नी चाहिए, मगर अगर आप बाकी दुनिया से बात करना चाहते हो, चाहे वो अमेरिका के लोग हों, जापान के लोग हों, इंग्लैंड के लोग हों, तो वहां हिंदी काम नहीं आएगी, वहां अंग्रेजी ही काम आएगी। और हम चाहते हैं